आज इतना रोई वो, बाप रे, मम्मा मम्मा डोंट लीव मी मम्मा मम्मा। ओह फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ट्विंस का, ख़राब लग रहा है, दोनों हमेशा चिपके रहते हैं यहाँ पर एक जन, अभी कोई भी नहीं है, मुझे ही ख़राब लग रहा है उन लोगों का सोच के। स्कूल पहुँच कर दिन में देखती हूँ क्या होता है, फिर आप लोगों को अगला अपडेट देती हूँ। गुड मॉर्निंग सबको, लव एंड लाइफ विद माला। आज फर्स्ट डे है स्कूल का, स्कूल चला जाएगा मेरा नंद पापा। स्टिल एवरीवन, टुडे वी विल गो टू स्कूल। अदोर उठो बाबू, गेट अप। सी नंदू हैज डन ब्रश, स्पाइडरमैन विल नॉट गो टू स्कूल। एंड पार्क बोलने से आंख एकदम खुल गया। Tell everyone, we will go to school. It's our first day. Get up. Hey, देखो स्पाइडरमैन तो फिर सो गया। नंदे बाबा उठ गए, मेरे नंदे बाबा। Stephen तो ही थे pink. Green. Yeah. What mama is giving? Donut. Okay, and tissue is also there. Okay. Okay. And how about our water bottle? Water bottle is here. ट्विंस आर रियली एक्साइटेड, और आप लोग भी विश कर दीजिए सब लोग की ट्विंस का पहला दिन स्कूल बहुत अच्छा जाए, है ना ट्विन? सो व्हाट विल यू से टू द टीचर व्हेन यू एंटर द स्कूल? गुड मॉर्निंग, टेक योर बैग टीचर। चलो मेरा मास्क कहाँ है मम्मा का? क्या? चलो डू नमो नमो टू गॉड फ्रॉम हियर। बस यू आर पुटिंग शूज, डोंट गो नियर। नमो नमो, ब्लेस ब्लेस बाय ट्विंस, दे आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्कूल। दे आर सेइंग दे ब्लेस यू। ओके चलो दुग्गा 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 सीधी दाती गणेश गणेश गणेश। बाय बाय बाय। आज तो रेडीमेड नाश्ता दिया उन लोगों को, तो मैं उठ गई थी 7:15 बजे, बट कल से तो घर का बना हुआ ही दूंगी, तो कल से मुझे थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। मे बी 6:30 तक मैं उठ जाऊंगी सुबह। तो निकल पड़े हैं स्कूल के लिए, स्पेशल डे फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि इतने दिनों मेरे साथ ही थे, आज पता नहीं उनको छोड़ के आके कैसा लगेगा, आई रियली डोंट नो। एंड महक का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है, बैक टू स्कूल, बट ट्विंस का पहला दिन है, वो तो बहुत एक्साइटेड है दोनों। और मैं उनको बोल रही हूँ आई विल मिस यू, आई विल मिस यू। व्हाट विल आई डू? एडिटिंग। सो स्कूल नज़दीक होने का यही एक बेनिफिट है, हम लोग पहुँच गए 1 मिनट में बस, और इन लोगों को स्कूल में एंटर करा दिया। और ये जाली में से भी ना छोटे छोटे हाथ मेरे को, मम्मा हाथ दो मम्मा हाथ दो, ये वाला पता है मैं मोमेंट आपको ना बोल के नहीं समझा पाऊँगी, आप लोग देख के ना आप लोग समझोगे कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है और एक मम्मा के मन में क्या चल रहा है। और दिस वॉज द मोमेंट, बस यही, इसके बाद ये लोग घुस गए अंदर। सो छोड़ के आ गई, यही है स्कूल, पीछे ही है। बाप रे, आदोर कितना रो रही थी, नंदू तो चली गई अंदर, वो भी अंदर थी, मुझे पहले बोल रही थी मम्मा यू गो, मैंने कहा हाँ आई विल गो, और जब जाने लगी तो एकदम इतना ज़ोर से, पता नहीं मुझे लगता है कोई जो एक टीचर आई उसको लेने के लिए, कम 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 उसको सॉफ्टली ये करने लगी, वो तो नीचे लेट के एकदम रो रही है ऐसे ऐसे करके हाथ पाओ, मम्मा यू कम मम्मा डोंट गो। अरे बाप रे, और मैं अंदर नहीं आ पा रही हूँ, बट वो पता है मोमेंट बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत ज़ोर से रो रही थी, छटपटा कर रो रही है, रोते हुए ही अंदर गई है, बट मुझे लगता है अंदर जाके ठीक हो जाएंगे और बच्चों को देखेंगे ठीक हो जाएंगे। टाइमिंग इज़ 8:45 to 3, 3 बजे तक आएंगे, बहुत लंबा टाइम है, मुझे लग रहा था कि 1:30 बजे तक, 3 बजे तक आएंगे। अभी 2 दिन पहले ही एडमिशन हुआ है ना, वी डिड नॉट गेट एनी मेल रिगार्डिंग द टाइमिंग्स एंड ऑल, तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ शॉर्ट स्नैक्स टिफिन दिया है,
तो फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, यू कम एट 10, तब आप दे दीजिएगा। तभी फिर जाऊंगी कुछ स्नैक्स देकर आती हूँ। तो 3 बजे तक आई विल बी विदाउट देम। पहले मैं सोचती थी कि आई विल बी सो हैप्पी विदाउट देम, बट अभी पता नहीं कैसे होगा, बट बहुत ख़राब लग रहा है। दोनों चले गए ना, आदो रोते हुए गई, नंदू हंसते हुए गई। फिर भी नंदू उसको देख रही थी ऐसे करके, उसका भी शुरू हो रहा था। मैंने कहा पापा तू मत शुरू हो जाना। अभी जाकर अपना कॉफ़ी वगैरह पीती हूँ। सो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ट्विंस का, ख़राब लग रहा है, दोनों हमेशा चिपके रहते हैं यहाँ पर एक जन, अभी कोई भी नहीं है। मुझे ही ख़राब लग रहा है उन लोगों का सोच के। अभी फिर निकली हूँ उन लोगों के लिए स्नैक्स लेने। मुझे बोला था बाई 10 o'clock यू कम, सो इट्स 9:45, सो आई थॉट लेट मी गो। यही यार मजुमदार बोलते, देखा इसलिए मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल स्कूल इन सब के नज़दीक घर होने से कितना अच्छा रहता है। तो आई जस्ट गल्प माई कॉफ़ी, हैंडफुल ऑफ पीनट्स ही, एंड देन आई एम जस्ट रशिंग टू सॉबीज। वहाँ से जाकर कुछ एक रेडीमेड ही आज ले लेती हूँ। अरे साढ़े चार साल बाद यू नो मैं एकदम अकेले चल रही हूँ, कोई है नहीं। तो मेरा सॉबीज भी आ गया, आई क्विकली ग्रैब थिंग्स एंड देन आई गो टू द स्कूल। सो सॉबीज से निकल गई हूँ। मैंने लिया है ये ब्लैक फॉरेस्ट ब्रेडेड स्ट्रॉडल एंड 2 fruit punch जूसेस ले लिए हैं। नाउ यू नो ये मैं देकर आती हूँ हैंड ओवर करके, एंड आई विल जस्ट आस्क अबाउट आदोर। मेरा ना आदोर का रोना ही गूंज रहा है। अब जब तक 3 बजे तक उसको हग ना कर लूँ ना, नंदू वॉज ऑल्सो ऐसे ऐसे कर रही थी। बस अभी मैं ये देकर आती हूँ। नाउ आई एम ऑल अश्योर्ड कि भाई पेट भरा रहेगा। तो आई एम जस्ट थैंकिंग यार मजूमदार। लोकेशन अगर अच्छा हो ना कितना सहूलियत होता है बताइए। अगर यही मैं दूर रहती मेरे को कितना तकलीफ़ होता कि मैं फिर से खाना वगैरह उन लोगों के लिए नाश्ता वगैरह लेके जा रही हूँ, कितना मुश्किल होता बताइए। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यार मजूमदार कि घर इतने अच्छे लोकेशन में लिया है कि 1 minute वॉकिंग टू स्कूल, 1 minute वॉकिंग टू सॉबीज। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेज़। सबने मुझे कहा था ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। सो नाउ आई हैव रीच स्कूल। तो मैंने हैंड ओवर कर दिया है एंड आई एम मच रिलैक्स्ड कि नाउ दे विल नॉट बी हंग्री। बिकॉज पता नहीं क्या टीचर लोग बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। वही मैं अभी मम्मी को बोल रही थी, मम्मी भी किंडरगार्टन टीचर, शी हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 years। सो शी वॉज टेलिंग मी देखा मैंने कहा था ना नंदू कुछ नहीं करेगी एंड आदो विल क्राई। आई सेड हाँ। तो मैं उसको पूछ रही थी हाउ इज़ तितिर डूइंग, तो वो बोले कि डोंट वरी, पहला दिन थोड़ा सा बच्चों में एंग्जाइटी रहता है, सब हम लोग ख्याल कर लेते हैं। बट माँ का मन है ना, मुझे बस लग रहा है एक बार उसको स्माइल करते हुए देखूँ। और हाँ थैंक यू सो मच, मेरे प्रीवियस व्लॉग को इतना सराहने के लिए। मुझे कई पेरेंट्स के मैसेजेस मिले थे रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर के, उन्होंने कुछ और इन डिटेल मांगे थे इन्फो, तो मैंने वो भी दे दिए थे। और यस वैक्सीनेशन कार्ड जो है संभाल के रखना, और 4.5 साल में एक और शॉट रहता है वो भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। आज पार्क भी पता ना देखने का मन ही नहीं कर रहा है, आदो नंदू नहीं है करके, वो लोग है ही नहीं साथ में, नहीं तो अभी तक हाथ पकड़ के खींचते मम्मा मम्मा, और पता रह रहे कि मेरी आंखें नीचे जा रही है, आदत हो गई है ना। ये रहा घर, मिलती हूँ अब 3 बजे जब उन लोगों को लेकर आऊंगी। अभी 2:45 बजने वाले हैं, 3 बजे ट्विंस आएंगे, बट मैं अभी दौड़ रही हूँ घर के अंदर। सुबह से इतना दौड़ भाग हुआ, और भी क्या क्या काम हुए, बट इन दोनों को जब देखा ना एकदम सारी थकान थकावट दूर हो गई, एकदम ताजगी सी आ गई। और आदोर को भी हंसते हुए देख लिया तो बस मन में राहत आई। Bye to Mr. Zarek. Bye bye, Mr. Zarek. Bye. See you tomorrow. Yeah, sure. हियर ना देयर इज नो टीचर सर मैम कॉन्सेप्ट, आपका जो नाम है वो मिस्टर या मिस करके आपको बोलना पड़ेगा। तो देयर क्लास टीचर इज मिस्टर ज़ेरे। गुड दिदे, हाउ वाज योर स्कूल? और महक बोल रही थी तुम्हारे क्वेश्चंस इतने ज्यादा हैं, वो लोग क्या क्या जवाब देंगे। ओह माय गॉडनेस, आर यू ओके? ओह बॉय, सी नाउ शी इज गोइंग, पुअर थिंग, आई फील सो बैड, शी इज सो फ्रेंडली एंड लविंग विद एवरीवन, यू नो। वर यू स्कैर्ड? So, पहला दिन स्कूल का बहुत अच्छे से हुआ, एंड यू नो जो वो लेडी बोल रही थी ना यू हैव मेड इट तितर, यू हैव मेड इट, सुबह जब ये रो रही थी वही उनको लेकर जा रही थी एंड शी वॉज क्राइंग सो बैडली। तो नाउ शी इज सो हैप्पी दैट यस तितर।
अच्छा आई वाज क्राइंग। ये व्लॉग जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ये मेरे बोलते ना एक पड़ाव, जैसे जब बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, अन्नप्राशन होता है, पहला बर्थडे, उस तरह ये इन लोगों की ज़िंदगी का पहला स्कूल जाना मैंने आप सबके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हाउ वाज योर डे, टेल देम वंस। अमेज़िंग क्या है? अमेज़िंग बात है। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। हे अमेज़िंग क्या है? आज तो ना मतलब वर्लपूल का दिन है। देखिए बस अब शाम को यार मजुमदार का फोन आया कि वॉलमार्ट से जो है सामान आ चुका है, गाड़ी नीचे खड़ी है, तू जा। तो भाई वहीं भाग रही हूँ। लिफ्ट में है, ले लिया सब, अब घर। अदर से बाय। सो जिस दिन काम का ये होता है ना फितूर, देखिए अब ये ट्रॉलीज में वॉलमार्ट से ऑनलाइन से मंगवाया था वो आ गई है, एंड आई विल सॉर्ट देम आफ्टरवर्ड्स। अभी थोड़ा रख देती हूँ। Yeah, she was crying, then she stopped crying, then she became brave girl, and now she helped mama by taking everything from now, down. Now I want to go to school. Yay! Mama take me school. Yeah, sit, sit. Mama take me to yeah. school. Now I bathe you, now I go in school. School is so fun, no? Yeah. Tite? And what did you do in the school? Play. I play basket. And coloring also rainbow? Yep. Yep. आज का दिन तो ना मैं ऐसे ऐसे घूम रही हूँ। ये वाला जो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाला जो व्लॉग देखोगे ना आपको पता चल जाएगा। ये तो अच्छा है कि घर पास है, फिर भी पता है वंस यू आर आउट ना तो निकलना हो ही जाता है, चाहे आप टैक्सी लेके कहीं दूर जाओ, बट ये घर पास है तो थोड़ा सा निश्चिंत रहता है कि भाई ठीक है, आँख के सामने ही है। चाची 420 में कमल हसन किस किस को याद आ रही है मुझे बताइए। ब्लॉग एडिटिंग करते वक्त मुझे उसकी ही याद आ रही थी। यही सब सामान मंगाया है, थोड़ा बहुत इनके ज्यादातर ना स्कूल को प्लानिंग करके मंगवाया है। सो ये वाला ना बिस्किट से लोग बहुत अच्छा खाते हैं, ये मंगवा लिया। फिर जीरा पोहा मसूर दाल, ये मुझे देखना पड़ेगा मैंने पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया। ये एक इंडियन बासमती आया, ये मैंने पता नहीं कैसे और क्या ऑर्डर हो गया। देन ओट्स का और 2 किलो का पैकेट है अंदर रखा हुआ है। देन स्टीविया, ये श्रेडेड कोकोनट था, मैं लेके रहती हूँ क्योंकि मेरी भगवान की प्रसादी बहुत बनती है। ब्राउन शुगर, मैं ट्विंस लोगों को भी ना ब्राउन शुगर ही देती हूँ ज़्यादातर, उनके दूध ओवल्टीन वगैरह जब बनाती हूँ। फिर ये भिंडी के 2 पैकेट्स एक रख दिए अंदर। फिर मशरूम, अच्छा मशरूम में पता नहीं डील था कि नहीं, जो भी था लाइक $2 का एक था कि $2.45 ऐसा ही था। सो आई गॉट 2। देन पता है गोभी की सब्जी खाने का बड़ा मन हो रहा है कई दिनों से, जो बंगाली टाइप का बनता है ना, तो वो बनाना तो रहेगा मेरे हनुमान के लिए। होल व्हीट ये मंगवाया, और कुछ था और यस, और ये दोनों मंगवाए। इनके पीछे की कहानी यह है कि जो वहाँ पे था वो मैं लाई नहीं, मैंने कहा नो वो रहने दो, वो अब जो उस घर में आएगा देखा जाएगा। तो वी गॉट अनदर, ये दोनों आए, बस ये छुटपुट करके आया है, बाकी तो बस अभी इनको रखती हूँ। अब जाने की बारी आ गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ट्विंस का पहले दिन के स्कूल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक। तो जाने से पहले फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय। और हाँ, जो व्यूअर्स मुझे ऐसे ही देख रहे हैं आप लोग करिए सब्सक्राइब लव एंड लाइट विद माला।